वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेंटिंग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जानेंगे जिनकी मदद से आप अपनी पेंटिंग को सुधार सकते हैं और अपनी पेंटिंग में अच्छा निखार ला सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स ये है, जब हम लिख रहे हैं तो सरफेस को हमें छूकर देख लेना चाहिए कि पूरी तरह से सूख गई है कि नहीं सूखी है। यदि सरफेस पूरी तरह से नहीं सूखी हुई होती है तो जब हम राइटिंग करते हैं तो हमारा ब्रश उस पर चिपकता है, जिससे हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हमको सरफेस देखना है कि सूख चुकी है कि नहीं। सेकंड टिप्स है, जब हम राइटिंग करते हैं तो जो हमारा ब्रश होता है उसके जो बाहर रेशे निकले होते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इन रेशों को फिक्स करना ज़रूरी होता है। फिक्स कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जब हम राइटिंग शुरू करते हैं तो उसके पहले हमको ब्रश को अच्छी तरह से उसके रेशे को मिला लेना है, और इसको फिक्स करने के लिए हमको थोड़ा सा तेल लेना है या तारपीन, जो भी आप यूज कर रहे हो उसको लेकर आप अपने ब्रश को उस पर थोड़ी देर के लिए भिगो देना, या इस प्रकार से उसको ऐसे कर लेना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रश होता है उसके जो बाहर रेशे निकले होते हैं वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं और हमारा ब्रश सॉफ्ट हो जाता है, जिसके से हम राइटिंग करते हैं तो उसके रेशे इधर उधर नहीं निकलते हैं और हमारे जो अक्षर होते हैं वो पूरी तरह से एक जैसे आते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको मिट्टी के तेल में किया है तो ये इस प्रकार से हो गया है, अब हम इससे राइटिंग कर सकते हैं। तीसरा टिप्स है, जब हम जो ऑयल पेंट लेते हैं या वार्निश लेते हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। मैंने एशियन पेंट का लिया है, आप देख सकते हैं, और जो हमारा वार्निश होता है वो ज़्यादा अभी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा वार्निश होना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने ये लिया है आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। यदि ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा तारपीन का तेल मिला लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा टिप्स है, जब हम राइटिंग करते हैं तो उसके से पहले हमें उसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे सारे अक्षर सारी राइटिंग एक जैसी आ जाती है। तो मैं इस चाक की सहायता से जो राइटिंग करने जा रहा हूँ उसका मेजरमेंट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को थोड़ा काट दिया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी राइटिंग का मेजरमेंट करना है, वर्क एरिया जहाँ पर आपको राइटिंग करना है, सब जगह आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेजरमेंट करने के बाद, मैंने मेजरमेंट कर लिया है। मेजरमेंट करने के बाद पांचवा टिप्स है, हमें जो भी लिखना है उसको रफ़ कार कर लेना है चाक की सहायता से। जिस चीज़ से भी आपको लिखना है रफ़ में उसको लिख लेना है। इससे क्या होता है, जो हमारी राइटिंग होती है वो फिक्स जगह में आती है, ना ज़्यादा एरिया में जाती है ना कम एरिया में। जितने एरिया में हमको लिखना होता है उतने एरिया में हम अपनी राइटिंग को लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह के समझ गए होंगे जो पांचों टिप्स, आप इन टिप्स को याद रखकर अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। अब मैं अपनी राइटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो मैंने रफ़्तार किया है उसी के ऊपर अपने ब्रश से लेटर बना रहा हूँ, और जो मैंने ब्रश फिक्स किया था आप देख सकते हैं कहीं भी रेशे नहीं निकल रहे हैं, कितने अच्छे से बोल लेटर बन रहा है आप देख सकते हैं। और इन्हीं टिप्स की मदद से आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं और अपने पेंटिंग वर्क को भी निखार सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी प्रकार से ये पूरी राइटिंग की है, आप देख सकते हैं।